15वीं और 16वीं सदी के दौरान इंग्लैंड में एक ऐसी जॉब हुआ करती थी जिसे इतिहास की सबसे घिनौनी जॉब माना जाता था, और इस जॉब का नाम था गोंग फार्मर्स। गोंग फार्मर्स वो लोग होते थे जो इंसानों के मल को शौचालय से निकालकर दूसरी जगहों पर फेंका करते थे। पहले के समय में शौचालय में मल की निकासी का कोई तरीका नहीं होता था, जिसकी वजह से गोंग फार्मर्स का रोल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता था। ये बहुत जरूरी होता था कि मल की निकासी सही ढंग से की जाए ताकि समाज सही तरीके से चलता रहे। हालांकि इस काम को काफी अजीब और घिनौना माना जाता था, इसी वजह से गोंग फार्मर्स को सिर्फ रात में ही काम करने की परमिशन मिलती थी। रात के अंधेरे में काम करने के कारण इन्हें नाइटमैन भी कहा जाता था, और ये लोग जो मल इकट्ठा करते थे उस मल को नाइट सॉइल भी कहा जाता था। ये काम घिनौना तो था ही, साथ ही इस काम को करने में गोंग फार्मर्स को बहुत परेशानियां भी होती थी। मल को इकट्ठा करने के लिए उन्हें नीचे गड्ढे के अंदर जाना पड़ता था, जहां इतनी बदबू होती थी कि आज के समय में कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, और साथ ही गंदगी होने के कारण वहां चूहे और ना जाने कितने ही कीड़े भी हुआ करते थे, जिससे गोंग फार्मर्स का काम और भी मुश्किल हो जाता था। सारा मल इकट्ठा करने के बाद उस मल को शहर की सीमा से बाहर ले जाकर फेंक दिया जाता था। आधुनिक समय से पहले शहरी इलाकों में आमतौर पर ज्वाइंट वॉशरूम का इस्तेमाल हुआ करता था, जिनके नीचे काफी बड़े गड्ढे बनाए जाते थे ताकि वहाँ मल इकट्ठा किया जा सके। अच्छी साफ सफाई के लिए ये काफी जरूरी होता था कि इन शौचालयों को समय समय पर साफ किया जाए ताकि गंदगी और बीमारियों को शहर में फैलने से रोका जा सके। सही तरीके से बने शौचालय को साल में एक बार साफ करने की जरूरत होती थी, लेकिन कुछ ऐसे भी शौचालय थे जिन्हें साल में कई बार साफ किया जाता था। इस मल को शहर के बाहर एक पर्टिकुलर जगह पर फेंका जाता था, और कभी कभी इनसे खाद भी बनाई जाती थी। गोंग फार्मर्स का काम अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए इस काम को करने वाले लोग बाकी लोगों को अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताते थे। अगर आप भी ऐसी ही किसी जॉब के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल नॉलेज सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर देना।